हेलो स्टूडेंट्स, मैं वापस आ गया। अभी एक्चुअली बात ऐसा है कि आप लोगों में ज़्यादातर ने अभी होमवर्क सबमिट कर दिया और सबका होमवर्क को मैंने चेक भी किया। कुछ बच्चे अभी भी हैं, 4 या 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया, या तो वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वीडियो, तो काइंडली वो लोग को भी आप लोग बोलोगे वीडियो फॉलो करें। तो चलो, होमवर्क चेक करने के बाद ज़्यादा आप में से ज़्यादातर बच्चों का जो जो डाउट्स है वो डाउट्स को लेकर आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ यू हैव डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 7, रोमन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन नंबर 2 में डाउट है, तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो, 2x+3y इज इक्वल टू दिस मच, 3x+2y इक्वल टू दैट मच। मैंने पहले आप लोगों को बताया था, ए ब्लॉक लेटर एक्स एंड ब्लॉक लेटर वाई जो है मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है। तो इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो मैट्रिक्स में आएगा। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। वहाँ पे देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो पहले क्या करते हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करते हैं, जो क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 का फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे, 3। तो क्या आएगा बताओ, अभी 3 2 जर कितना आया, ये 6x प्लस 3 3 जर कितना हुआ, ये 9y है। इज इक्वल्स टू, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट को भी 3 से करना है। तो 3 2 जर कितना आ रहा है, ये 6। 3 3 जर कितना आ रहा है, 9। 3 4 जर कितना आ रहा है, 12। और आपका 3 0 जर कितना आ रहा है, 0। ओके, फिर एक काम करो, जैसे इक्वेशन 1 को मैंने इक्वेशन 2 का फर्स्ट कंस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 का फर्स्ट कंस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। क्या है वो, 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 का फर्स्ट नंबर, इक्वेशन 1 का फर्स्ट कंस्टेंट क्या है, 2 है। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जर कितना हुआ, ये 6x। 2 2 जर कितना हुआ, ये 4y। इज इक्वल्स टू, 2 2 जर कितना आ रहा है, 4। 2 × −2 −4, 2 × −1 −2, 2 5 जर कितना आया, 10। ओके, अभी ये जो नया इक्वेशन बनाया है, ये इक्वेशन से इक्वेशन को माइनस कर दो। क्या कर दो बोला मैंने, माइनस। ये जो नया इक्वेशन बन रहा है, जैसे कि इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद द फर्स्ट कंस्टेंट ऑफ इक्वेशन 2 आई गॉट दिस न्यू इक्वेशन, सिमिलरली बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद द फर्स्ट कंस्टेंट ऑफ इक्वेशन 1 आई गॉट दिस इक्वेशन। इसको बोलता है बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मतलब देखो, पहले एक्स के आगे 2 था, एक्स के आगे 3 था, यहाँ पे वाई के आगे 3 था, वाई के आगे 2 था, तो ये दोनों को डायरेक्ट माइनस करने से एक्स और वाई में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, इधर एक्स के आगे का नंबर को सेम करना है या तो वाई के आगे का नंबर सेम करना है। तो मुझे एक्स का आगे का नंबर सेम करना था, इसलिए मैंने क्या किया, ये इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 का एक्स का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 का एक्स का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई किया। अभी ये यहाँ पे जो नया इक्वेशन बना है, ये नया इक्वेशन में ऊपर वाले इक्वेशन से नीचे वाले इक्वेशन को माइनस करो। क्या करो बोला मैंने, माइनस करो। माइनस करने से सिंबल चेंज, साइन चेंज होता है। देखो प्लस 6 था तो क्या हो गया, माइनस होगा, माइनस एंड प्लस क्या होगा, ये माइनस, और इधर भी ये क्या साइन आएगा, माइनस। तो देखो ये हो गया प्लस 6x − 6x, कैंसिल हो गया। 9y − 4y कितना आया बताओ, ये 5y है ना। देखो x एलिमिनेट हो गया, अभी x एलिमिनेट हो गया तो प्योरली क्या बचा हुआ है, y। उसके बाद दूसरा वाला 6 माइनस, अभी माइनस करना है, 6 − 4 कितना आया बताओ, ये 2। 9 − −4 कितना हुआ, ये 13। 12 − −2 क्या हो गया, 14। उसके बाद 0 − 10 − 10, होप यू अंडरस्टूड, शायद समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी क्या करना है, वाई का वैल्यू निकालना है। तो वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपका देखो वाई इज इक्वल्स टू 5 से सबको डिवाइड करो, ये 5 नीचे जाएगा तो 5 को 5 से सबको डिवाइड करो तो क्या होगा, ये 2/5, 13/5, 14/5, और ये क्या आएगा, −10/5। −10/5 क्या होगा, −2। ओके, वाई का वैल्यू मिल गया। अभी वाई का वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में डाल दो। चलो मैं इक्वेशन 1 में डालता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, ये 2x प्लस क्या था, ये 3y
इज इक्वल्स टू क्या है 3, 2, 1, 4। अब यहाँ देखो ये हो गया 2x + 3y का वैल्यू क्या मिला था, y का जो वैल्यू मिला था वो क्या मिला था 2/5 13/5 14/5 -2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये क्या है 3, 2, 1, 4 है ना। तो ये देखो 2x इज इक्वल्स टू क्या बचा इसमें 3, 2, 1, 4। ये मैट्रिक्स पीछे जाएगा तो निगेटिव होगा, ये प्लस था पीछे जाने से क्या हो गया माइनस, 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 2 जर कितना हुआ ये 6/5 3, 13 जर 39/5 फिर ये क्या आया आपका 3, 14 जर 42/5 फिर से 3 × -2 -6 है ना। तो ये 2x इज इक्वल्स टू अभी इससे इसको माइनस करो, माइनस करना है दोनों मैट्रिक्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करो 3 - 6/5 तो 5, 3 जर 15 15 - 6 कितना आएगा 15 - 6 9/5 कितना आया आपका ये 5 है ना। उसके बाद फिर इससे इसको माइनस करो 2 - तो ये 5, 2 जर 10 10 - 39 माइनस कितना आएगा 29 -29/5 उसके बाद फिर इससे इसको माइनस करो तो 5 × 5 5 - 42 5 - 42 कितना आएगा -37/5 कितना आएगा 5। उसके बाद ये क्या बचा आपका 4 - + 6 4 + 6 कितना आया आपका ये 10। शायद समझ में आया होगा आपको क्या बोला मैंने, इससे इसको माइनस करना था है ना। तो क्या आया 3 - 6/5 तो 5, 3 जब 15 मतलब एलसीएम लेके 5, 3 जब 15 - 6 कितना आया 9/5 2 - 39/5 तो 5, 2 जब 10 10 - 39 -29/5 ये 1 - 42/5 5 × 5 5 - 42 कितना आया -37/5 4 - 6 10 हो गया। तो फाइनली x इज इक्वल्स टू क्या होगा, सबको क्या से डिवाइड करना है, सबको 2 से डिवाइड, ये 2 नीचे जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो नीचे 2 आएगा तो 9/5 2 जर कितना हुआ ये 10 ये -29/5 2 जर कितना हुआ 10 ये -37/5 2 जर कितना हुआ 10 और ये 10/2 कितना आया 5। सो वो y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है। ओके होप यू अंडरस्टूड, ये क्लास 10 में पढ़ा था ना आप लोगों ने, शायद आप लोगों को डायरेक्ट कैंसिल करना था होगा इसलिए नहीं होता। इसमें क्या है एक्चुअली देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 2x + 3y है और ये 3x + 2y है तो ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए सब्ट्रैक्शन में जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट श्योर कि इनका कोएफिशिएंट या तो एक्स का आगे का कोएफिशिएंट सेम करो या तो वाई का आगे का कोएफिशिएंट सेम करो, ताकि माइनस करने से या तो एक्स कैंसिल हो नहीं तो वाई। तो यहाँ पे मैंने किसको किसका कोएफिशिएंट को इक्वेट किया, एक्स का कोएफिशिएंट को इक्वेट किया, यहाँ पे एक्स का 2 था। एक मिनट कोई आया, नाउ द नेक्स्ट वीडियो फाइन नॉट नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप में से ज्यादातर का डाउट था 7 का रोमन नंबर 2 जो मैंने अभी अभी किया। अभी नेक्स्ट डाउट आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन सो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसमें तो आप लोगों को तो ये तो सकना चाहिए था, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री तो मैंने पानी पानी पढ़ाया हुआ था क्लास 11 में है ना। कोई नहीं चलो ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब फंक्शन इन एक्स, वो फंक्शन का वैल्यू क्या मैं देके रखा हुआ है एक्स में। एफ ऑफ एक्स बोला गया इसलिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ही आया। अगर ये एफ ऑफ थीटा होता, फंक्शन ऑफ थीटा होता तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा होता। एफ ऑफ जेड होता तो क्या होता ये एफ ऑफ जेड होता तो कॉस एक्स, सपोज ये एफ ऑफ जेड होता तो ये कॉस जेड माइनस साइन जेड कॉस जेड होता। तो राइट नाउ ये क्या है एफ ऑफ एक्स है तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इस तरीके से दिया हुआ है। ओके उसके बाद क्या पूछा गया हमें कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। चलो ठीक है तो सॉल्व करना शुरू कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ बोल के लिखा है यहाँ पे प्रूफ
प्रूफ लिखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। क्या प्रूफ करने दिया हमें, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा, तो सुनते जाओ अभी, एफ ऑफ एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो, ये ऊपर में दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, इसको उतारते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या क्या आ रहा है इसमें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर ये क्या है जीरो, फिर ये क्या है साइन एक्स, फिर ये कॉस एक्स, फिर ये क्या है जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये वन। ओके, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ वाई। तो जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे, ये फंक्शन ऑफ एक्स है इसलिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स है, तो फंक्शन ऑफ थीटा होने से क्या बोला था मैंने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ देखो ये एफ ऑफ एक्स आया, तो एफ ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ वाई बोलने से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई कैन राइट हियर वॉच, दिस विल बी कॉस वाई, ऑलराइट, दैट विल बी माइनस साइन वाई, फाइन, एंड दैट इज जीरो। ओके, एंड देयर कम्स साइन वाई, हियर कम्स कॉस वाई, जीरो, दिस इज जीरो जीरो वन, होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे द फर्स्ट फंक्शन इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स वाई ऑल द एंगल्स आर गिवन इन एक्स, द सेकेंड फंक्शन इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट्स वाई ऑल द एंगल्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ वाई। Now by multiplying these two, we need to prove that left hand side is equal to right hand side. What is our left hand side? It's f of x into f of y equal to f of x plus y. And what is our left hand side? F of x into f of y. And what is our right hand side? F of x plus y. Fine. तो हम लोग left hand side को पहले multiply कर लेते हैं. All right. चलो multiply करते हैं. Matrix multiplication तो आपको सिखाया था. इसका रो से इसका कॉलम को मल्टीप्लाई, यू नीड टू मल्टीप्लाई द रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विद द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को पहले शुरू कर दें, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये क्या हुआ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर क्या साइन आएगा, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस ये क्या हुआ साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो नहीं लिखने से भी हो गया, देखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, एक्चुअली प्लस होना था बट यहाँ पे माइनस है, प्लस एंड माइनस माइनस हुआ, साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस फिर क्या आएगा जीरो इंटू जीरो, जीरो नहीं लिखने से भी हो गया। अभी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, तो फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, थोड़ा सा गैप मेंटेन करना, माइनस क्या हुआ ये कॉस एक्स साइन वाई, ओके, फिर क्या साइन आएगा, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, फिर से क्या आएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर से प्लस क्या आएगा जीरो इंटू जीरो, जीरो नहीं लिखने से भी हो गया। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम हो गया, है ना। अभी फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, कॉस एक्स इंटू जीरो इज जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो इज जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो सब क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। शायद समझाओ क्या बोला मैंने, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो इतना मिला, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। होप यू अंडरस्टूड। ऑलराइट, नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, क्या आ रहा है बताओ यहाँ पे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस फिर ये क्या आ रहा है बच्चों, कॉस एक्स इंटू क्या हुआ ये साइन वाई, प्लस फिर क्या आएगा जीरो इंटू जीरो, जीरो नहीं लिखने से भी हो गया। तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, अभी सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो क्या हुआ माइनस क्या हुआ ये साइन एक्स साइन वाई। अभी फिर सुनो, प्लस अभी क्या साइन आएगा, प्लस ये क्या है बताओ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ओके। और अभी क्या आएगा जीरो इंटू जीरो, जीरो ये प्लस जीरो आना चाहिए, तो जीरो नहीं लिखने से भी हो गया। तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम हो गया, अभी आएगा सेकेंड रो से थर्ड कॉलम, साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, प्लस कॉस एक्स इंटू जीरो इज जीरो, प्लस जीरो इंटू वन इज जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होगा ये जीरो। तो ये देखो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला,
गैप थोड़ा सा मेंटेन किया, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये मिला गैप थोड़ा सा मेंटेन किया, सेकेंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो जीरो मिला, गैप थोड़ा सा मेंटेन किया। ओके, और एक बचा हुआ है। अभी फर्स्ट रो से तीनों कॉलम को हो गया, सेकेंड रो से भी तीनों कॉलम को हो गया, अभी थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम। जीरो इंटू कॉस वाई इज जीरो, जीरो इंटू साइन वाई इज जीरो, मतलब देखो जीरो इंटू कॉस वाई इज जीरो प्लस जीरो इंटू साइन वाई इज जीरो प्लस वन इंटू जीरो इज जीरो, तो सब क्या हो गया यहाँ पे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या हो गया जीरो। फिर थर्ड रो से सेकेंड कॉलम जीरो इंटू माइनस साइन वाई इज जीरो प्लस जीरो इंटू कॉस वाई इज जीरो प्लस वन इंटू जीरो इज जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या हो गया जीरो। अभी थर्ड रो से थर्ड कॉलम जीरो इंटू जीरो इज जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो इज जीरो प्लस वन इन वन इंटू वन इज वन, तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन क्या हो गया यहाँ पे वन। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, मैंने ऐसे खींचना है। ओके, अभी देखो थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान चाहिए, आप लोग तो भूल ही गए होगे शायद ज्ञान को, है ना, तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। हाँ, देखो क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला को मैं साइड में नीचे लिख देता हूँ। ये देखो फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या बोला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉस ए प्लस बी, ऐसा होता है। ठीक है, क्या बोला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है कॉस ए प्लस बी। तो इधर आप लोग यहां देखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा कॉस एक्स प्लस वाई। कौन से फॉर्मूला से बोला मैंने, ये फॉर्मूला से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, शायद मूव कराने से थोड़ा वो हो जाता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉस ए प्लस बी। ये क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज किया। ओके, अभी आगे आते हैं, तो यहां देखो यहां क्या हुआ था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। अभी यहाँ पे दोनों इसमें भी माइनस है उसमें भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके माइनस कॉमन लेने से तो बाकी सब पॉजिटिव हो गया, तो ये साइन वाला पार्ट को पहले लिख दो। यहाँ पे क्या होगा ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस क्या होगा ये कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ पे क्या है जीरो है। ये देखो ये एक नया फॉर्मूला है, ये कौन सा नया, मतलब 11 में मिला था तुम लोगों को, वो कौन सा फॉर्मूला है देखो मैं बताता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे आओ, ये क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होगा, व्हाट इज ए हियर एक्स व्हाट इज बी हियर वाई, तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई, है ना। अभी इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट को पहले लिखो, तो ये क्या आएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस क्या आएगा ये साइन एक्स, सॉरी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स क्या हुआ साइन वाई, उधर में वो क्या है जीरो है, और ये है आपका जीरो, ये है जीरो, ये है आपका वन। ओके, अभी ध्यान से सुनो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्या था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे ये भी माइनस वो भी माइनस, तो आई टुक माइनस इज कॉमन, सो इल बी सेकेंड वाला पार्ट को फर्स्ट में लिखा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस एंड प्लस इज माइनस, माइनस एंड प्लस इज माइनस, हियर इट्स डायरेक्ट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट को पहले लिखा, निगेटिव वाला पार्ट को बाद में लिखा, बाकी सब एज इट इज है। अभी देखो तो ये दिस इज आवर कॉस एक्स प्लस वाई,
माइनस अगेन द सेम फॉर्मूला क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी. वॉट इज दैट? इट्स जीरो. एंड वॉट इज यर साइन एक्स प्लस वाई? अगेन दिस इज देन क्लास 11. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी. सो इट विल बी कॉस एक्स प्लस वाई. वॉट इज दैट? जीरो. हियर इट्स जीरो, दैट्स जीरो, एंड इट इज वन. अभी ध्यान से एक चीज को आप लोग नोटिस करना. जब ये सब मैं जब ये फंक्शन ऑफ एक्स बोला था तो सब फंक्शन में यहाँ पे एंगल कितना था? एक्स था. मीन्स वॉट? वेन एवर दर एंगल इज एक्स थ्रू आउट, देन दैट फंक्शन इज कंसिडर्ड एज फंक्शन ऑफ एक्स. नाउ चेक इन आर आंसर, सब में एंगल क्या है बच्चों? एक्स प्लस वाई है. दैट मीन्स ये जो क्या होगा, फंक्शन ऑफ क्या होगा? एक्स प्लस वाई, है ना? ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई. तो देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व किया था. लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रूव क्या करना दिया था? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. तो आई टुक लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या था? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. अभी इसको मैं जब सॉल्व करके गया तो लास्ट में क्या मिला मुझे? एफ ऑफ क्या मिला? एक्स प्लस वाई. क्यों एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हुआ? क्योंकि सब में एंगल क्या है यहाँ पे? एक्स प्लस वाई. तो देयर फोर क्या हो गया? फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड हैंस प्रूव्ड. अच्छा, बेसिकली मैथ्स में एक एक क्वेश्चन काफी लंबे होते हैं, तो एक ही बार में 5-6 क्वेश्चंस का मैं वीडियोज नहीं बना सकता. तो अभी मैंने आपके डाउट्स में से क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 13 को कर दिया, और दो डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. थैंक यू.